बात क्रिकेट के किसी भी कालखंड की हो, वो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और अधिक से अधिक क्षेत्र रक्षण पर आकर थम जाती है। यह बात उतनी ही सत्य प्रतीत होती है जितनी हम सुन पाते हैं, या यूं कहें कि अवगत हो पाते हैं। परंतु क्रिकेट के जितने भी कालखंड अब तक रहे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा खिलाड़ी अवश्य उजागर हुआ है जिसके पास शुद्ध रूप से बल्लेबाजी और उतनी ही शुद्धता के साथ साथ गेंदबाजी करने की अद्भुत कला रही हो, अर्थात एक विशुद्ध ऑलराउंडर। वैसे तो गांव घरों में या कहें कि गली क्रिकेट में सब ऑलराउंडर ही होते हैं, समय आने पे बल्लेबाजी और आउट होने के बाद गेंदबाजी। ऐसा संयुक्त तभी बनता है जब बल्लेबाज कम पड़ रहे हों या गेंदबाज कम पड़ रहे हों। कई बार ऐसा ही परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में भी बन जाता है, तभी जाकर हीरे के समान चमकने वाले ऑलराउंडर उभर कर सामने आते हैं। ऑलराउंडर्स तो तकरीबन हर कालखंड का भाग रहे हैं, लेकिन जो पहचान उनको सर गैरी सोबर्स के बाद मिली वो निश्चित रूप से इसके अधिकारी थे। सर गैरी के बाद एक दौर ऐसा आया जिसमें चार महान ऑलराउंडर एक साथ खेले, पाकिस्तान से इमरान, न्यूजीलैंड से हेडली, इंग्लैंड से बॉथम और हमारे भारत से महान कपिल देव। उस दौर में जहां क्रिकेट अपने शैशव काल को त्याग कर युवावस्था में प्रवेश कर चुका था, वहीं दूसरी ओर इन चारों की एक भिन्न प्रतियोगिता चल रही थी। बल्लेबाजी और गेंदबाजी के आंकड़ों से और अपनी महान छवि की वजह से इन चारों में से इमरान हमेशा शीर्ष पर स्थापित रहे। महान वसीम अकरम ने भी कहा है कि इमरान की नजर कपिल की हर पारी के प्रदर्शन पर होती थी, यही नजर उन दोनों ऑलराउंडर्स को बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती थी। उस महान युग के बीच जाने के कई वर्षों बाद यूरोप से दूर नीचे साउथ अफ्रीका से एक महान ऑलराउंडर का उदय हुआ, नाम था जैक कैलिस। मध्यम तेज गति की गेंदबाजी और परंपरागत शैली की बल्लेबाजी के साथ साथ स्लिप पर सबसे सुरक्षित हाथों वाला वह खिलाड़ी, जिसने 90s और 20s के दर्शकों का उतना ही रसास्वादन किया जितना अपने दौर में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर इमरान खान ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारक टीवी की खास श्रृंखला देयर एरा वर्सेस आवर एरा। दर्शकों, आप लोग जिस स्नेह के साथ देयर एरा वर्सेस आवर एरा सीरीज का आनंद ले रहे हैं, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं हो सकता। आपके उसी उत्साह को एक बार और आह्लादित करने के लिए नारक टीवी सीरीज की अगली कड़ी में दोनों पीढ़ियों के सबसे महान ऑलराउंडर्स की चर्चा कर रही है, इमरान खान और जैक कैलिस। तो चलिए सब कुछ भूलकर डूब जाते हैं क्रिकेट के समंदर में। यदि आप आजादी के बाद की पहली पीढ़ी हैं, तो याद कीजिए वो 70s का दौर, जब एशिया में केवल पाकिस्तान के पास पेस बॉलिंग का जखीरा हुआ करता था। तभी एक 19 साल का लड़का आता है, नाम इमरान खान नियाजी, जो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था, साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का भी मेंबर था। साल था 1971। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव का माहौल था। भारत में सुनील गावस्कर दस्तक दे चुके थे, वहीं पाकिस्तान से हनीफ मोहम्मद युग का अंत हो चुका था। क्रिकेट में हनीफ मोहम्मद के बाद पाकिस्तान को एक ऐसे ही करिश्माई चेहरे की आवश्यकता थी। उसी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले खिलाड़ी बने इमरान खान। वो दौर रेडियो का था, लाहौर के रेडियो स्टेशन की खबरें अमृतसर में आसानी से सुनी जा सकती थी। साल 1971, रेडियो पर कमेंट्री होती है, आज 3 जून को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले एस्बेस्टन टेस्ट से 19 साल के इमरान खान अपने क्रिकेट करियर का आगाज करेंगे। एक हरफन मौला के तौर पर उनसे उम्मीद है कि वो क्रिकेट से बेशुमार मोहब्बत करने वाली पाकिस्तान की आवाम के भरोसे को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। रेडियो के अल्फाज आने वाले वक्त में 100% सत्य सिद्ध हुए। अपने पदार्पण के 5 सालों में इमरान ने ऐसा जादू किया कि उस दौरान पाकिस्तान का एक एक बच्चा इमरान खान बनने की सोचने लगा। ये कुछ वैसा ही असर था जैसे भारत में सचिन के डेब्यू के बाद उनको लेकर हुआ था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और ना जाने कितने बच्चे उनको देखकर बड़े हुए और अपने आने वाले वक्त में पाकिस्तान ही नहीं संसार में अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे। चलते हैं वापस इमरान खान पर। हमारी पीढ़ी की आंखों के सामने इमरान की एक ही तस्वीर गुजरती है, वो है 1992 विश्व कप की ट्रॉफी पकड़े कप्तान इमरान खान। लेकिन हमसे पहले की पीढ़ी ने उनके करिश्माई खेल को मानो बड़े शिद्दत से जिया है। एक बहुत तेज गति वाला गेंदबाज जो तेजी से बल्लेबाजी भी कर सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रिवर स्विंग के इतिहास में हमें वसीम वकार का नाम दिखता है, दरअसल उस रिवर स्विंग का तारुफ कराने वाले गेंदबाज इमरान खान ही थे। बॉलिंग से याद आया उनका प्यारा सा एक्शन, तेजी से बल्लेबाज की ओर बढ़ते इमरान का चेस्ट ऑन एक्शन, क्या मजा आता था देखकर। वो उनका गेंद डालने के बाद बाहर की ओर फॉलो थ्रू में जाना। साल 1980 से 1988 तक इमरान लगभग सबसे तेज गेंदबाजी की फहरिस्त में शुमार थे। इसी कालखंड में उन्होंने 17.77 की औसत से 236 टेस्ट विकेट उड़ा डाले। यह 17 की औसत महान मैलकम मार्शल और डेनिस लिली से भी बेहतर थी। इमरान एक अनुशासन प्रिय और सकारात्मक सोच वाले कप्तान थे। इसकी मिसाल है साल 1992 विश्व कप का पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, जहां इंजमाम केवल 5 रन बनाकर
चलते बने। लेकिन जब फ्लाइट में इमरान इंजमाम के पास बैठे तो उनको बोला, इंजी जो तू खेला वाकई काबिल तारीफ है, वो स्क्वायर कट जो तू ने खेला। दरअसल इंजी ने उस 5 रनों की पारी में सिर्फ 1 चौका लगाया था, इमरान ने उसी की बात की थी। बात रही नेतृत्व की, तो 39 साल की उम्र में जिस इमरान का कंधा उतर चुका था, गति कम हो चुकी थी, तब भी उसी इमरान ने हर मैच में टीम को आगे से लीड किया, खुद नंबर 4 पर आकर एक छोर को संभालने का काम किया और फाइनल में पाकिस्तान के लिए विक्ट्री बॉल डालने वाले गेंदबाज भी बने। दोस्तों, जो प्रभाव आप एक लीडर के तौर पर धोनी का देखते हैं, इमरान का उससे कहीं अधिक था, क्योंकि इमरान खान को सौरव गांगुली की तरह ऐसा पूर्व कप्तान नहीं मिला जो उनको एक टीम बना के दे सके। इमरान ने जो किया खुद अपने दम पर किया। रिकॉर्ड्स में इमरान एक बेहतरीन ऑलराउंडर की परिभाषा को नया आयाम देते हैं। 88 टेस्ट में 38 की बल्लेबाजी औसत और गेंदबाजी में 23, वनडे में यही आंकड़े 34 और 26 हैं। यानी एक पूर्ण बल्लेबाज और एक पूर्ण गेंदबाज। आंकड़े जैसे भी हों, इमरान खान पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास के सबसे बेशकीमती आभूषण हैं। ये बातें आपको अतिशयोक्ति लग सकती हैं, लेकिन वो दौर इमरान का दौर था, और जितना हमने आपको बताने की कोशिश की है वो उनके व्यक्तित्व का 1% भी नहीं है। एक बेमिसाल कप्तान और एक बेहतरीन ऑलराउंडर इमरान को क्रिकेट की तमाम खुशियां देने के लिए नर टीवी की ओर से शुक्रिया कैप्टन। इमरान खान साल 1992 में रिटायर हो चुके थे, हालांकि उनके समकालीन ऑलराउंडर्स उनके बाद भी खेलते रहे। कपिल देव तो 1994 तक, बस उसके एक साल बाद ही साउथ अफ्रीका की टीम में एक 20 साल के लड़के ने एंट्री मारी, नाम जैक कैलिस। राइट आर्म फास्ट बॉलर और राइट हैंडेड ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, 166 टेस्ट में 13,000 से ज्यादा रन, औसत 55 की बैटिंग क्रम नंबर 3 और 45 शतक। ऐसा लग रहा है ना कि कोई विशुद्ध बल्लेबाज है, क्योंकि नंबर 3 पर ही पॉन्टिंग और संगकारा भी खेले हैं। अब इन पर गौर कीजिए, 166 टेस्ट में 292 विकेट, ऐसा लगता है कि कोई गेंदबाज होगा। ये दोनों आंकड़े जैक कैलिस के हैं। ऊपर से 200 कैच देखकर विश्वास नहीं होता कि ये तीनों आंकड़े एक ही खिलाड़ी के हैं। ये आंकड़े कहीं ना कहीं तक उनको इमरान खान से कम नहीं रखते। ऑलराउंडर्स की अगली पीढ़ी बनेगी तो वो कुछ यूं होगी, गैरी सोबर्स, इमरान खान, जैक कैलिस। वाली हेमंड और सर गैरी सोबर्स के बाद अभी तक केवल जैक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में बैटिंग और बॉलिंग औसत क्रमशः 50 और 30 के आसपास रखी है। साल 1988 पहली ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिसको साउथ अफ्रीका ने जीता, उस टूर्नामेंट के सेकंड लीडिंग विकेट टेकर और हाईएस्ट रन स्कोरर थे कैलिस। यही नहीं, फाइनल और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच भी। 2001 में जिस वक्त वे नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर थे, उसी वक्त सबसे डिफेंसिव टेस्ट बल्लेबाज भी आंके गए थे। डोनाल्ड के संन्यास के बाद और डेल स्टेन के आगमन के बीच अफ्रीकी टीम की गेंदबाजी को एंटनी के साथ कैलिस ने ही संभाला। कभी वो बैटिंग ऑलराउंडर गिने गए, कभी बॉलिंग ऑलराउंडर। 2002 से लेकर 2008 तक फ्लिंटॉप और कैलिस ने उसी प्रतिस्पर्धा के दौर को ताजा कर दिया जैसा कभी इमरान खान और कपिल ने किया था। 2012 में गियोडॉन हाई ने सोबर्स और कैलिस की तुलना करते हुए कहा, सोबर के टेस्ट रन 58 की औसत से बने जबकि कैलिस के 55। इसका कारण सोबर्स की गेंद तक अधिक रीच होने का था। हालांकि बाद में कैलिस ने गैरी को पीछे छोड़ते हुए इतिहास के सबसे सफलतम ऑलराउंडर की ख्याति हासिल की। बैटिंग में 935 रेटिंग और बॉलिंग में 742 की रेटिंग अक्सर भ्रम में डाल देती है कि वो किस श्रेणी के हरफन मौला हैं। वो ऐसे बेशुमार नगीने हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में 10,000 से ज्यादा रन और 200 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रनों के मामले में आज भी कैलिस 5वें नंबर पर काबिज हैं। याद आता है जब कैलिस 45 शतक बना चुके थे, तब ऐसा लग रहा था दूसरी जोर बस फिर सचिन का रिकॉर्ड ध्वस्त, लेकिन वो 45वां शतक उनके आखिरी टेस्ट का आखिरी शतक था। दोस्तों, जैक अपने पिता के सबसे करीबी थे। जब उनकी 65 वर्ष में मौत हुई तो जैक ने अपनी एक दिवसीय क्रिकेट की जर्सी का नंबर भी 65 कर लिया। जब जैक कैलिस ने अपना करियर शुरू किया तो अपनी पहली 7 पारियों में वे केवल एक बार ही दोहरे अंक का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाए थे, लेकिन इस महान खिलाड़ी ने अपना करियर 55 की औसत से खत्म किया। यह औसत सचिन, लारा, पॉन्टिंग और द्रविड़ से भी बेहतर है, जबकि एक विशुद्ध बल्लेबाज थे। एशिया की स्पिन पिचों पर कैलिस ऐसे खेलते थे जैसे कोई उपमहाद्वीप का खिलाड़ी खेल रहा हो। 25 टेस्ट में 55 की औसत से 2058 रन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैलिस कभी भी अफ्रीकन राष्ट्रगान गाते हुए नहीं देखे जाते। उन्होंने बताया कि वे आंखें बंद कर अपने माता पिता को देखते हैं जिन्होंने इस काबिल बनाया कि अपने देश के राष्ट्रगान तले खेलें, इसलिए वो दिल में राष्ट्रगान गाते हैं। रवि शास्त्री ने एक बार उनके बारे में कहा था कि व्हेन ही हिट्स हिट्स देम बिग, या उनके लंबे सिक्स मारने की वजह से कहा गया था। है तो कैलिस ऑलराउंडर, लेकिन टेस्ट मैचों में 97 सिक्स लगाकर वे चौथे नंबर पर काबिज हैं। यही नहीं, एक दिवसीय मैचों में 137 सिक्स लगाकर कैलिस हर्सल गिब्स, ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाजों से भी आगे हैं। 90s के बच्चों को जैक कैलिस और फ्लिंटॉप की प्रतिस्पर्धा तो याद ही होगी। कैलिस ने हमेशा अपना स्थान
ऊपर बनाए रखा। सचिन, लारा, पोंटिंग, द्रविड़ जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ने वाले इस करिश्माई हरफनमौला ने 2014 में आखिरी बार बल्ला थामा था। हमारे बचपन के दौर के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को नारे टीवी शुक्रिया करता है और उनके अमूल्य योगदान के लिए, और शायद इसलिए भी कि वो 45 टेस्ट शतक पर ही रुक गए थे। खैर, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन इमरान और सोबर से तुलना किया जाना शायद उनकी मेहनत का सबसे खूबसूरत पल है। फिर से थैंक यू वुकी। तो दोस्तों, इसी के साथ देयर एरा वर्सेस आवर एरा की तीसरी कड़ी समाप्त होती है। आप लोग क्रिकेट के समंदर से बाहर आ जाइए। आशा करते हैं कि वीडियो ने आपको इमरान और कैलिस के अद्वितीय प्रभाव से परिचित करवाया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।